बड़े दुख की बात है कि उस पर अभी भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और रही बात हमारे मेडल्स को लेकर, उन्होंने एक बात बोली थी कि 15 रुपए में मिलता है ओलंपिक का मेडल, तो हमारा एक एथलीट क्या 15 से 20 साल पूरा करियर खत्म हो जाता है, पूरा करियर लगता है ये मेडल जीतने में, पूरा घर उस सब का सपोर्ट, पूरी मेहनत के बाद एक ओलंपिक का मेडल जीता जाता है और उसने 15 रुपए लगाई है उसकी कीमत, तो उससे उसकी मानसिकता का पता चल रहा है। और ऐसे आदमी को कोई हक नहीं है कुश्ती में रहने का या किसी भी खेल में कोई भी उसको पद मिले। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे फैमिली से लगा रहे, हमारी फैमिली ही है जो यहाँ बैठी है, सभी बहुत गुस्से में है, बहुत रोष में है और वो बिल्कुल हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जी जान लगा के। हम अपनी जी जान लगा के लड़ रहे हैं और हर कोई अपनी जान हथेली पे रख के लड़ना चाहता है। और बस हमें विश्वास है कि वो अपनी बेटियों की इज्जत को ऐसे सड़कों पे नीलाम नहीं होने देंगे। वे भी यहाँ रोज रोज किसान संगठन से, महिला संगठन से और मजदूर संगठन से, कॉलेज के बच्चे, स्टूडेंट्स, सब जो हमारे समर्थन में आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ 40 डिग्री में बैठे हैं और यही 24 घंटे यही रहते हैं। रात परसों रात बारिश भी आई तो मतलब इतनी प्रॉब्लम्स के बाद और उस आदमी पे उसको गाइड करने के बाद उसको पूरा वी आई पी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो बड़े दुख की बात है कि उस पर अभी भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और रही बात हमारे मेडल्स को लेकर, उन्होंने एक बात बोली थी कि 15 रुपए में मिलता है ओलंपिक का मेडल, तो हमारा एक एथलीट क्या 15 से 20 साल पूरा करियर खत्म हो जाता है, पूरा करियर लगता है ये मेडल जीतने में, पूरा घर उस सब का सपोर्ट, पूरी मेहनत के बाद एक ओलंपिक का मेडल जीता जाता है और उसने 15 रुपए लगाई है उसकी कीमत, तो उससे उसकी मानसिकता का पता चल रहा है। और ऐसे आदमी को कोई हक नहीं है कुश्ती में रहने का या किसी भी खेल में कोई भी उसको पद मिले। बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप सब लोग समर्थन बनाए रहो। सभी को नमस्कार। 23 तारीख को हमें एक महीना हो जाएगा यहाँ बैठे हुए और देश का ये पहला ऐसा केस है जिसमें पोक्सो का भी केस है, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो 23 तारीख को हम इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकालेंगे और जो ब्रजभूषण जी है जिनके ऊपर इतने अपराधी मुकदमे भी हैं, पहले भी थे अब भी हैं, उनके विरोध में ये कैंडल मार्च निकालेंगे। और पूरे देशवासियों से, यहाँ जितने भी हमारे खिलाड़ी उनकी तरफ से अपील करते हैं कि 23 तारीख को हम शांतिपूर्वक इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकालेंगे, सभी देशवासी उसमें हिस्सा लें। देखिए कल जो हमारे जितने भी संगठन है, खाप पंचायतें हैं चाहे वो किसान संगठन है, कल महापंचायत है मैम चौबीसी में, तो उसमें जो भी वो निर्णय लेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो भी इसको लीड कर रहे हैं पंचायत को, जो भी निर्णय लेंगे उसके बाद सारी जो रूपरेखा होगी आंदोलन की वो बनाई जाएगी, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। वो पहले नहीं बता सकते, वो पहले हम अपने बड़ों से बात करेंगे, उसके बाद ही कोई वो डिसीजन लेंगे, उस पर आप तब बात कर सकते हैं। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे फैमिली से लगा रहे, हमारी फैमिली ही है जो यहाँ बैठी है, सभी बहुत गुस्से में है, बहुत रोष में है और वो बिल्कुल हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जी जान लगा के। हम अपनी जी जान लगा के लड़ रहे हैं और हर कोई अपनी जान हथेली पे रख के लड़ना चाहता है। और बस हमें विश्वास है कि वो अपनी बेटियों की इज्जत को ऐसे सड़कों पे नीलाम नहीं होने देंगे। वे हमें विश्वास है उनके ऊपर पूरा। जो कैंडल मार्च का समय है वो दोपहर 4 बजे का है, 4 बजे वहाँ पे पहुँच के उसके बाद जितने भी देशवासी वहाँ पे पहुँचेंगे उन सबका कैंडल मार्च में स्वागत है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे पहुँच सकते हैं 23 तारीख को बड़ा कैंडल मार्च होगा। और जो ब्रजभूषण जी बोले, जो साक्षी जी ने बताया कि 15 रुपये मेडल की,
मैं उनसे बोलता हूँ अगर 15 रुपये का मेडल आता है तो आप अपने बेटे को किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में फर्स्ट लेके आ जाइए, 15 रुपये का मेडल आपको पता लग जाएगा। मैम बहुत दुर्भाग्य की बात है कि खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है वो आज एक महीना होने वाला है ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। आप इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश ना कीजिएगा, ये बहुत ही बड़ी और बहुत शर्मनाक बात है कि देश के खिलाड़ी, देश की बेटियां, और सिर्फ खिलाड़ी नहीं, हमारे जितने भी गांव से लोग आ रहे हैं, शहर से लोग आ रहे हैं, छात्र संगठन आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं, हर कोई इस चीज को लेके बहुत दुख में है और बहुत गुस्से में है। ये नहीं होना चाहिए देश में जो हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और महिलाओं की बात जब आती है तो एक सेकंड नहीं लगना चाहिए उस चीज को सॉल्व करने में या उनको न्याय मिलने में। जो ये हो रहा है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। हमें लगता है कि अभी तक आजादी का जो जश्न बना रहे हैं उनको वो बनाना नहीं चाहिए, कुलदीपों की महिलाओं को वो मान सम्मान अभी तक मिला ही नहीं है जिसके लिए हम आज छक्कों पे बैठे हैं। एक महीना होगा जब देश के खिलाड़ी जिनका नाम है, जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, ओलंपिक्स में जीते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में जीते हैं, जब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो जो नॉर्मल फैमिली से जिनके साथ में कुछ भी गलत होता है या लाइफ में हमें कुछ भी ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो उनकी आवाज को उठाने की हिम्मत उनको कहाँ से आएगी। जब पूरा देश एक मंच पे आके बोल रहा है कि उनको न्याय दो, हमें न्याय मिलना चाहिए, लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, फिर भी उनकी बात कौन देखा किया जा रहा है, तो देश में हालात क्या चल रहे हैं वो आप सबको देखना चाहिए। और बहुत ही एक एकजुट होने की जरूरत है हमें। ये किसी भी संगठन की या किसी भी पार्टिकुलर स्टेट की या किसी भी पार्टिकुलर जाति की बात नहीं है, ये बहन बेटियों की हर उस घर की लड़ाई है जो हम दबा के और चुप करने की कोशिश करते हैं या उनको रोकने की कोशिश करते हैं। आज उनको बाहर निकल के बोलने की जरूरत है। अगर आज नहीं बोले तो आने वाले सालों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इस लेवल पे कोई भी आवाज उठा पाएगी, और अगर नहीं उठाएगी तो हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि महिलाओं के बिना किसी भी देश की तरक्की नामुमकिन है। अगर उन्हीं महिलाओं को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, उन्हीं को न्याय नहीं मिलेगा, तो आप देश की तरक्की जो बात करते हैं वो ठोकरी बातें हैं, और उनको करना भी आप बंद कर दीजिएगा। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो, इन लड़कियों को न्याय नहीं मिला तो जो आज सड़क पे बैठी हैं। विनेश, एक महीने के लगभग हो गया आपको बैठे हुए, सरकार की तरफ से कोई भी किस तरह से आपको कोई रिस्पांस मिला है या आपका आंदोलन कैसा हुआ? सर, विश्वास से अगर इज्जत वापिस आ जाती तो हम बिल्कुल वो विश्वास ले लेते। जो इज्जत मान सम्मान जो लड़कियों ने गवाया है वो किसी चीज की कीमत से वापिस नहीं आ सकता है। उनको सिर्फ न्याय चाहिए, जिन्होंने गलत किया है उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। वही एक बात है हमारी, उसी पे हम बैठे हुए हैं। कोई भी अगर यहाँ पे आ रहा है, सब अपना सजेशन दे रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं हम सब का सजेशन ले भी रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं, नादान हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि जनवरी में जो हमारे साथ घटना हुई है नादान बुद्धि में हुई थी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी और जिंदगी का इतना एक्सपीरियंस हमें नहीं है जितने हमारे बड़े आ रहे हैं उनको है। तो हम हर किसी का सजेशन ले रहे हैं, जो भी चीज हमें ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं, अपने लेवल पे बेस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। अगर मंदिर में जाने की बात है तो सिर्फ आज हम मंदिर में नहीं गए हैं, हम पिक्चर्स नहीं डालते हैं, शायद मीडिया ने पहले से कवर नहीं किया है, लेकिन हम हमेशा मंदिर में जाने वाले लोग हैं, हम भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो उस मेहनत से भी ज्यादा हम परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, वही हमें शक्ति और वही हमें ताकत देता है। देश की जनता पे हमें विश्वास होता है कि वो हमें दुआएं देंगे, इसलिए ये मेडल आता है। सिर्फ मेहनत से मेडल नहीं आता है, और सिर्फ हम बोले कि आज हम मंदिर में गए हैं तो ये एक गलत भी नहीं बोलूंगी, लेकिन ये हम क्योंकि हम मंदिर में या परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, तो आज हम मंदिर में गए हैं, कल को हम मस्जिद भी जा सकते हैं, कल को हम चर्च भी जा सकते हैं, तो हमारे लिए पाबंदी नहीं है कहीं पे भी। हम हर परमात्मा पे विश्वास करते हैं, और जितने भी हमारे गुरु, जितने भी हमारे महात्मा रहे हैं देश में, जिनकी हम ताकत ले सकते हैं, जिनसे हम पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, हम जाएंगे उनके पास में, क्योंकि हमें लगता है कि आज देश में सिर्फ अगर वो पुकार हमारी सुन सकता है तो वो परमात्मा सुन रहा है। जो हम चीख चीख के बोल रहे हैं, जो हमारा कानून नहीं सुन पा रहा है, जो पुलिस नहीं सुन पा रही है, जो जो राजनीतिक पार्टियां नहीं सुन पा रही हैं,
वो शायद परमात्मा हमारी चीख पुकार को सुन रहा है। और अगर यहाँ पे इस धरती पे अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें ये विश्वास जरूर है कि परमात्मा हमें जरूर न्याय देगा एक दिन। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जी और आगे भी करेंगे अभी क्योंकि हम इतना बिजी हैं यहाँ पे। देश में एक्चुअल में चल क्या रहा है स्पोर्ट्स की लाइफ में या अदर स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है एक्चुअल में हमें नॉलेज भी नहीं है। हमारे जस्ट आधा घंटा पहले हमें संज्ञान में आ गया कि कोई ऐसे मैच चल रहा है। आप बोल रहे हो तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर हम अभी सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं। हम और हर किसी की भावनाओं की हर किसी के थॉट प्रोसेस की हम रिस्पेक्ट करते हैं और हम जरूर इस पे विचार भी करेंगे। विनेश जी आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं मेरे परिवार की बेटी है। आप वो वीडियो आप कभी देखते हो दोबारा तो आपको लगता है उन शब्दों में कोई सच्चाई थी? मैं इतना ही बोलना चाहूंगी पूरा देश देख रहा है और पूरा देश हमारे साथ में खड़ा है। हम जिनकी बेटियां हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। सर्कल पंचायत है जो हमारे जितने भी लोग सपोर्ट में आ रहे हैं उस पंचायत में जाएंगे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जो डिसीजन वो लेंगे मैं कहूंगी कि वो बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है और वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। वो बिल्कुल देश के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि अगर इतने सारे लोग गुस्से में और रोष में है अगर वो कोई बड़ा डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली उसमें देश की हानि होने वाली है क्योंकि इतने सारे लोग अगर रोष में है तो अगर कोई भी काम हम करेंगे तो इसमें खिलाड़ियों का तो नुकसान हो ही रहा है नॉर्मल आदमियों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। सब जहाँ पे एनर्जी हमें अच्छे काम में लगानी चाहिए थी आज सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई हम बोल सकते हैं इसको अगर कोई चाहे तो इस महिलाओं की बात को एक मिनट में सॉल्व किया जा सकता है जिसको एक महीना हो गया है। ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच रही है तो इसका मतलब आप देख लीजिए महिलाओं का सम्मान हमारे देश में जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे तो बेटी को बचाना है किससे कहाँ पे बेटी को पढ़ाना है ये किसी ने कभी बताया ही नहीं। देखिए वो तो किसान आंदोलन जब 13 महीने चला था तो देश को नुकसान तो हुआ ही था ना जी हर एक क्षेत्र में नुकसान हुआ था तो अगर आज फिर से अगर कोई बड़ा आंदोलन होगा तो डेफिनेटली उसमें देश का नुकसान है और खिलाड़ियों का तो है ही है नुकसान हर एक जन का नुकसान है जो हमारे साथ इस लड़ाई में लड़ रहा है। और बस वो उनकी गोल का हम वेट कर रहे हैं जितने भी हमारे बड़े कोचिज हैं बड़े बुजुर्ग हैं सभी बैठ के वो निर्णय लेंगे और जो भी वो लेंगे वो हमें लगता है कि वो हमारे भलाई के लिए ही होगा। नाम बता सकते हैं उनका? सोनिका काली रमन। मुझे दुख हो रहा है जिनकी वो बेटी है उनको देश पूजनीय मानता है मान सम्मान के साथ में हम उनको देखते हैं उनके नक्शे कदम पे हम चल के हमने रेसलिंग स्टार्ट किया था और जन्मों जन्मांतर तक उनका नाम रहेगा। दुख होता है ऐसी बातें सुन के। शायद उनकी भी कोई बेटी नहीं होगी शायद उनको कोई बेटी नहीं होगी अगर उन्होंने ऐसे बोला है तो पहले बेटी बेटी की सोचो कि मेरी बेटी होती तो कैसा होता शायद वो उनके पास बेटी नहीं है शायद वो उस दुख और दर्द को समझ नहीं सकती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें।